हेलो वंस अगेन, शंकु को ही आगे बढ़ा के चलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जैसे चल रहे थे उसी को आगे बढ़ाएंगे इस पार्ट में, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक शंकु की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, तो शंकु का आयतन और वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। द हाइट ऑफ ए कोन इज 28 सेंटीमीटर एंड इट्स रेडियस ऑफ बेस इज 21 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम एंड कर्व्ड सरफेस ऑफ कोन। ठीक है, क्या दिया, शंकु की ऊंचाई दी हुई है, यहाँ पे मैं एक कोण ड्रॉ कर लेता हूँ। शंकु की क्या दी हुई है, ऊंचाई दी हुई है, कितनी दी हुई है ये 28 सेंटीमीटर। आधार की त्रिज्या दी हुई है 21 सेंटीमीटर। हमको निकालना है शंकु का आयतन और वक्र पृष्ठ निकालना है। वक्र पृष्ठ निकालने के लिए हमको क्या आवश्यकता पड़ेगी, एल की आवश्यकता पड़ेगी, तो एल निकाल लेते हैं। एल स्क्वायर इज इक्वल टू 28 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर, यहाँ से 784 प्लस 441 स्क्वायर करेंगे, ये 25 अपने को मिल रहा है। कितना L स्क्वायर का वैल्यू, L इक्वल टू कितना आ जाएगा ये 35, L कितना आ गया 35 आ गया। अभी हम निकाल लेते हैं जो जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है। क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि शंकु का आयतन और वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। आयतन कितना होता है उसका फॉर्मूला, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला होता है, ये हो जाएगा 1/3 इंटू 22/7, आर कितना है यहाँ से 21 इंटू 21, एच कितना है यहाँ पे 28। एल की आवश्यकता इसमें नहीं है, वक्र पृष्ठ में आवश्यकता पड़ेगी, तब उसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से ये 3 टाइम्स कैंसिल होगा, 7 किया 21, 3 3s कैंसिल, 22 इंटू 21 इंटू 28 ये मिलेगा 12936 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब इसलिए क्योंकि ये सेंटीमीटर में है और ये वॉल्यूम पूछा हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अगला क्या पूछ रहा है, देखो अगला क्या पूछ रहे हैं, अगला अपने को निकालना है, क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा होगा बगल में, वक्र पृष्ठ निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया ये होता है आर, को मैं ऐसा लिख लेता हूँ पाई आर एल, यहाँ से 22/7 आर का वैल्यू कितना दिया है वहां पे 21, एल का वैल्यू हम लोग कितना निकाले हैं यहाँ पे 35, ये 7 किया 21, 22 इंटू 3 इंटू 35 ये हो जाएगा 2310, और ये क्या है एरिया है, इसलिए हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। एक शंकु के आकार के तंबू में 65 वर्ग मीटर कपड़ा लगा है, ठीक है। एक शंकु के शेप में क्या है, तंबू है, उसमें 65 पाई वर्ग मीटर कपड़ा लगा है। तंबू की त्रिज्या ऊंचाई 13 मीटर है, तो उसकी ऊंचाई तथा त्रिज्या ज्ञात करें। A conical tent is made of 65 pi square meter of canvas. The slant height of the tent is 13 meter. Find its height and radius of its base. कभी भी ध्यान देंगे कि ऐसा क्वेश्चन आता है, टेंट बना हुआ है तो मतलब वो कॉर्ड सरफेस एरिया की बात कर रहा है, क्योंकि नीचे कपड़ा नहीं बिछाते हैं, जो आकार देता है टेंट उसी की बात वो करता है, कार्पेट बिछाते होंगे बात अलग है, लेकिन वो जब वो टेंट की बात करेगा तो कॉर्ड सरफेस एरिया की ही बात करेगा, इस चीज को ध्यान में रखना है। तो क्या निकालना है अपने को, तंबू की त्रिज्या ऊंचाई 13 मीटर, ये भी दिया है त्रिज्या स्लैंट है, ऊंचाई और त्रिज्या ज्ञात करें, ठीक। कुल मिला के कॉर्ड सरफेस एरिया ये हमको दिया हुआ है कितना, यहाँ पे 65 पाई ये हमको दिया हुआ है कॉर्ड सरफेस एरिया, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ जब भी टेंट की बात करेगा वो कॉर्ड सरफेस एरिया की ही बात करेगा। तो कॉर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे 65 पाई, मैं पाई और पाई कैंसिल कर लिया, यहाँ से और कुछ दिया गया, एरिया की ऊंचाई 13 एल दिया है, आर इंटू 30 ये दिया हुआ है 65, आर का वैल्यू आ गया यहाँ से 13.65, क्या ये सेंटीमीटर है ये मीटर है, ठीक है मीटर है, ये हो जाएगा 5 मीटर, रेडियस कितना निकल के सामने आ गया 5 मीटर। हमको और क्या निकालना है, ऊंचाई निकालना है उसका, ठीक है ऊंचाई निकालना है, ये ऐसा कुछ शेप में है, रेडियस यहाँ से 5 दिख रहा है,
ऊंचाई हमको पता नहीं है, स्लैंट हाइट यहाँ से 13 है, ये हमको निकालना है, एच हमको निकालना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 13 स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, यहाँ से आ गया ये 169 इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस 25, इसको मैं इधर ट्रांसफर कर लूँ क्या, ठीक है 169 माइनस 25 इज इक्वल टू एच स्क्वायर, ये हो गया 144 इज इक्वल टू एच स्क्वायर, एच का वैल्यू यहाँ से आया कितना 12, एच का वैल्यू कितना आ गया 12, तो एच कितना निकल के सामने आ रहा है 12, तो इसका हाइट आ गया 12 और इसका रेडियस आ गया 5, ये मीटर में है, ये भी मीटर है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये अच्छे क्वेश्चन में से एक है, इसको आप स्टार लगा के रखेंगे ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम, ठीक है और बना के देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, उस बड़े से बड़े शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जो उस घन में से काटा जा सकता है जिसकी प्रत्येक भुजा 3 सेंटीमीटर लंबी है। ध्यान से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द ग्रेटेस्ट कोण व्हिच कैन बी कट ऑफ अ क्यूब हुज एज इज 3 सेंटीमीटर, मतलब आपको एक इमेजिन करना है, एक क्यूब है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, उसमें से हमको एक क्या काटना है, कोण को काटना है, तो आपको बताना है बड़ा से बड़ा कोण काटना है उसमें से निकाला जा सकता है, आपको बताना है कि उस क्यूब में से बड़ा कोण जो काटा जाएगा तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, इसको इमेजिन करना है आपको। देखेंगे एक क्यूब है, ठीक है एक क्यूब है, इसके अंदर से एक कोण काटना है, ये कितना है यहाँ पे 3 दिया हुआ है, सब 3 दिया है, इसका 3 ऊंचाई चौड़ाई सब 3, इसके अंदर से आपको एक कोण काटना है तो इसका आपको लार्जेस्ट वॉल्यूम कितना होगा आपको बताना है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि इसकी ऊंचाई 3 है तो इसकी भी ऊंचाई क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, ठीक है क्योंकि लार्जेस्ट निकाल रहे हैं हम लोग उसके अंदर से, इसका जो यहाँ से यहाँ डायमीटर होगा, डायमीटर यहाँ से 3 है तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा यहाँ से 3/2, इसका रेडियस क्या हो जाएगा 3/2, बस यही चीज ध्यान देना है बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है, इसका वॉल्यूम निकालना है 1/3 πr²h, इसका वॉल्यूम होता है यहाँ से वैल्यू रख रहा हूँ मैं, ये हो जाएगा 1/3 × 22/7, आर स्क्वायर है तो 3/2 × 3/2, एच कितना है यहाँ से 3, ये 3 और ये 3 तो कैंसिल कर लिया मैं, इसको 11 से कैंसिल कर लिया, ठीक है इसको और आगे कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 11 × 9 हो जाएगा ये, और ये यहाँ से हो जाएगा 14, ये कितना हो जाएगा 14, ठीक है इसको हम लोग डिवाइड करके देखते हैं और ये हो जाएगा 14/97 98 होता है ये 1, यहाँ से पॉइंट लगा लिया मैं, ये 0 लगा लिया, ठीक है फिर भी ये डिवाइड नहीं होगा, 0 टाइम्स लगाया फिर यहाँ 0 लगा लिया मैं, फिर 14/97 यहाँ से 2 बच जा रहा है, ठीक है जो भी, तो यहाँ से अप्रोक्स वैल्यू कितना आ जा रहा है 7.07, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, इसका वॉल्यूम हो जाएगा क्या, ये ऊंचाई किसमें था जो इसका डायमेंशन ये सेंटीमीटर में है, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ये अच्छे क्वेश्चन में से एक है, पूरा का पूरा सेम रहता है, इसको 3 देगा कभी 4 देगा कभी 14 देगा, बस इसमें चेंजेस करता रहेगा, आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा उसको क्या बताया रेडियस कौन सा आएगा और हाइट क्या आएगी, तो इमेजिन करने की भी जरूरत नहीं है आपको, एक बार आप समझ लेते हो तुरंत इसको आप बना लेंगे, ठीक है ऐसा क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक शंकु की त्रिज्या तथा त्रिज्यक ऊंचाई में अनुपात 4:7 है, यदि वक्र पृष्ठ 792 वर्ग सेंटीमीटर है तो शंकु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, द रेडियस एंड स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन आर इन द रेशियो ऑफ 4:7 इफ कर्व्ड सरफेस एरिया इज 792 स्क्वायर सेंटीमीटर फाइंड इट रेडियस। देखो अच्छा क्वेश्चन, इसको बना के देखते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया दिया हुआ है, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या दिया है यहाँ पे 792, इसका फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एल इज इक्वल टू 792, ये हमको दिया हुआ है, हमको क्या निकालना है इसका रेडियस निकालना है, किसके किसके बीच में अनुपात दिया हुआ है यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है, आर रेशियो एल इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 4:7, ये 4:7 दिया हुआ है, तो इसको यूज करेंगे हम लोग, पाई के जगह पाई रख लेता हूँ क्या, नहीं चलो 22/7 रख लेता हूँ 22/7, आर के जगह मैं रखता हूँ 4x
ठीक है रेशियो, इसलिए एल की जगह रखता हूं मैं 7x = 792। ठीक है ये सेवन कैंसल हो गया, एक्स स्क्वायर यहां से आ गया 792/22 इंटू क्या आ गया यहां से 4 आ गया, 22 × 4 आ गया। ठीक है इसको 11 से कैंसिल करूं क्या मैं 11 2 जा और ये कितने कैंसिल हुआ 11 7 जा 11 2 जा। ठीक है ये कैंसिल हो गया और किसी से कैंसिल होगा क्या, ठीक यहां से कैंसिल हो रहा है 36। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 9, तो यहां से एक्स का वैल्यू कितना आ गया 3। एक्स का वैल्यू कितना आ गया है 3। अभी भी आंसर नहीं निकला है, प्रीमेटिक नहीं मारना है। ठीक है अपने को क्या पूछा हुआ है, वो रेडियस पूछा हुआ है। रेडियस यहाँ से कितना लिया हुआ है 4x लिया हुआ हूँ, 4x ये है मेरा रेडियस, तो 4 × 3x का वैल्यू निकल गया, ये हो जाएगा 12। क्या ये सेंटीमीटर में है, हाँ सेंटीमीटर में है, ये हो जाएगा सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में बिल्कुल 3 दिखाई देगा, वहां टिक नहीं लगाना है आपको, आंसर में टिक लगाना है। ठीक है और ऐसा बना के देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शांतीय डेरे का आयतन 1232 घन मीटर है और उसके आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर है, तो उसको बनाने में कितना कपड़ा लगेगा। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, लेंथी है लेकिन देखना है समझना है इसको कैसे बनाना है। इंग्लिश में दिया हुआ है द वॉल्यूम ऑफ अ कॉनिकल टेंट इज 1232 क्यूबिक मीटर एंड इट्स एरिया ऑफ बेस इज 154 स्क्वायर मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक। ठीक क्या निकालना है, कैनवास जब भी ऐसी बात करेगा तो हमको निकालना है कॉर्ड सरफेस एरिया, मतलब पाई आर एल निकालना है। क्या निकालना है, कॉर्ड सरफेस एरिया ये होता है पाई, यहां से ये हो जाता है आर एल, ये हमको निकालना है। इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमको जरूरत पड़ेगी आर की, दूसरे बार जरूरत पड़ेगी एल, तो आर और एल पहले निकालेंगे फिर उसके बाद कॉर्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। यहाँ पे दिया है आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर, ये दिया है 154। आधार कैसा होता है, उसका सर्कुलर होता है, वृत्ताकार होता है, तो ये हो जाएगा ऐसा। यहाँ से 22/7 × r² ये हो जाएगा 154, तो r² = 154 × 7/22, ये ऐसा आ गया। इसको कैंसिल कर लेते हैं 11 2 जा 11 1 जा 11 4 जा, यहां से आ गए ये फिर से 7 से कैंसिल हो गए, तो r का वैल्यू आ गया यहां से 7, r कितना आ गया 7, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, मीटर है ठीक है मीटर, इसको कर लेते हैं r 7 मीटर। ठीक अब ही अपने को क्या निकालना है, l की आवश्यकता पड़ेगी, तो डेरे का आयतन दिया है 1232 घन मीटर। ठीक देखते हैं आगे, वॉल्यूम दिया हुआ है कितना 1232, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 πr² h = 1232। आगे देखते हैं पाई आर स्क्वायर का वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं सीधा सीधा, ये 154/3 × क्या है यहाँ पे h, ये 1232 h = क्या हो जाएगा 1232 × 3/154, ये 8 टाइम्स कैंसिल होगा, यहां से आ जाएगा h = 24, ये मीटर है तो ये भी मीटर, h कितना आ गया 24 मीटर। तो देखिए h कैसा रहता है I, यहां रहेगा h कितना यहां पे 24 और रेडियस है 7, हमको तिर्यक ऊंचाई यानी कि l निकालना है, एल निकालना है क्योंकि अपने को पाई आर एल की आवश्यकता पड़ेगी, तो एल निकाल लेते हैं अब, l² = 24² + 7² ये हो जाएगा 576 + 49, ये हो जाएगा 625, यहां से एल का वैल्यू आ गया कितना 25, एल का वैल्यू कितना आ गया 25। अब हमको कॉर्ड सरफेस एरिया मिल जाएगा, कॉर्ड सरफेस एरिया पाई आर एल, तो 22/7, आर कितना है यहाँ पे 7, एल कितना निकाल लिए हम लोग अभी 25, तो 22
25 इसका आंसर हो जाएगा, जो भी वैल्यू होगा। इसका वैल्यू आएगा 25 दूनी 50 और 25 दूनी 50 यहाँ से आ जा रहा है ये 550, कितना आ गया 550, यही इसका आंसर हो जाएगा 550। तो कितना कपड़ा लगेगा उसको बनाने में, 550 मीटर है तो मीटर स्क्वायर 550 मीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन लेंदी है, यदि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप चलना है, इसमें कुछ है नहीं, लेकिन ये रिटर्न एग्जाम यदि कोई है तो उसमें आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है ये, आपके किसी भी एग्जाम में काम आ सकता है। ठीक है, और दूसरा बना के देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दो शंकुओं के आयतनों में अनुपात 4:5 है और उसके आधार की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, तो उनके ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो उनके ऊंचाइयों का अनुपात क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखना कैसे बनाना है। क्या दिया हुआ है, दो शंकुओं के आयतनों में अनुपात, ठीक है, क्या होता है 1/3 πr²h, एक शंकु का हो गया, दूसरा शंकु का हो जाएगा 1/3 πr²h, एक शंकु दूसरा शंकु, अनुपात कितना दिया हुआ है यहाँ पे 4:5, ये आयतनों में अनुपात ये दिया हुआ है आप लोगों को, बीच में लगा लेता हूँ, ये दिया हुआ है, ये दोनों साइड है कैंसल हो गया, उसको बिल्कुल हटा दें, कोई दिक्कत नहीं। उनके त्रिज्याओं का अनुपात रेडियस दिया हुआ है यहाँ पे 2:3, रेडियस का जो रेशियो है 2:3 दिया हुआ है, इसकी जगह मैं 2 रखूंगा, इसकी जगह 3 रखूंगा, 2² ये h, ये 3² ये h, ये 4, 5 एज इट इज रख लेते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, ये जाएगा 4/ कितना हो जाएगा 9, ये h रेशियो h, ये 4/5 एज इट इज रखते हैं। ठीक है, कैपिटल h / स्मॉल h इज इक्वल टू 4/5 * ये ऊपर चला जाएगा 9, ये नीचे चला जाएगा 4, 4 और 4 कैंसिल, 9/5, तो आंसर आ जाएगा 9:5, आंसर क्या आ जाएगा 9:5, यही इसका आंसर हो जाएगा। ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चन में से एक है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है और यही आने लायक है। गलती क्या होती है, ऑप्शन में आपको 5:9 भी लिखता रहेगा, ऐसा भी टिक लगा सकते हैं, लेकिन नहीं है, जिस सीक्वेंस में क्वेश्चन में दिया रहेगा उसी सीक्वेंस में आपको आंसर लेना है। ठीक है, तो कोन को इतना ही रखते हैं, और एक पार्ट ऐसा रहेगा जब स्फीयर खत्म हो जाएगा, जैसे कोन और सिलेंडर मिलाकर एक कोई क्वेश्चन है तो उसको मैं मिसलेनियस में रखूंगा, ताकि जो दो या दो से अधिक जो डायग्राम से मिलकर बनेगा उसको हम मिसलेनियस में रखेंगे, उसको उसमें समझेंगे, बहुत आसान है, धीरे धीरे आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखते रहिए, समझते रहिए, मेरे साथ बने रहिए और दोस्तों को शेयर करते रहिए। थैंक यू।